चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस और पाइए सारी नोटिफिकेशंस। कहते हैं ना कि अगर कोई दिल से साफ हो तो आप उसे गिराने की जितनी भी कोशिश कर लें वो अपनी जगह बना ही लेता है। इसी तरह से आसिम रियाज भी हैं। आपको याद होगा बिग बॉस 13 में विकास खन्ना, जो कि इंडिया के एक ग्रेट शेफ हैं, उनके भोजन, उनके खाने का आनंद पूरी दुनिया जानती है। वो एक बार घर के अंदर आए थे, जहाँ पे वो घर के अंदर काफ़ी खाने का सामान लेकर के आए थे। उन्होंने केक लाया था और भी अदर चीज़ें थी। तो उसी का एक इंसिडेंस, आप कह सकते हैं एक वाक्य शेयर करते हुए विकास खन्ना ने कहा था एक इंटरव्यू में कि आसिम रियाज वहाँ पे उन्हें सबसे डिफरेंट दिखाई दिए। उन्होंने सबसे पहले विकास खन्ना यानी कि मुझे खिलाया, अपने आप बाद में खाया। इसी पे रिएक्ट करते हुए आसिम रियाज ने लिखा था विकास खन्ना को, @विकास खन्ना, थैंक यू फॉर दी कॉन्स्टेंट सपोर्ट। और ये किसी ने कमेंट किया होगा या किसी ने रिकमेंड किया होगा विकास खन्ना को कि ये लिखा है आपके बारे में। तो इसी पे रिप्लाई करते हुए विकास खन्ना कहते हैं, समवन जस्ट सेंड मी दिस थैंक यू ट्वीट बाय आसिम रियाज भाई, खूब तरक्की करो, आई ऑलवेज ट्रेजर दिस मोमेंट, पीपल हु फीड आर द रियल वन। वहीं साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस हाथ ने मुझे खिलाया है मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, आई नेवर फॉरगेट ए हैंड दैट हैज़ एवर फीड मी, आसिम रियाज। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट द वंस हु हैव ट्राइड टू चॉप मी। तो बहुत बड़ी बात कह दी है विकास खन्ना ने। उन्होंने कहा है कि जिस हाथों ने मुझे खिलाया हो उन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। उन्होंने ये भी कहा है, आसिम रियाज ने पहले कहा कि थैंक यू जितना भी आपने मुझे सपोर्ट किया है, कॉन्स्टेंट सपोर्ट। इसी के रिप्लाई में विकास खन्ना जी कहते हैं कि आसिम रियाज आप खूब तरक्की करो, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जिस हाथों ने मुझे खिलाया हो उन हाथों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो बड़ी बात कह दी है विकास खन्ना जी ने, वो भी आसिम रियाज के बारे में, और अपनी पुरानी मेमोरी शेयर करते हुए सब कहा है। आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।